तो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बहुत ही मस्त होंगे। तो आज तुम्हारा भाई सिखाने वाला है कुछ इस टाइप का रोबोट फोटो एडिटिंग, जैसे कि मेरा स्क्रीन पे देख रहे हैं आप लोग। तो चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुँचे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले क्या करना है फ्रेंड, अपना आ जाना है गैलरी में और जिस भी फोटो को आप लोग को एडिट करना है उस फोटो को ले लेना है। जैसे कि मेरा फोटो देख ही सकते हैं कितना ही ब्लैक ब्लैक सा दिख रहा है। तो गैलरी में आ जाने के बाद क्या करना है, इसको शेयर कर लेना है लाइटरूम एप्लीकेशन में। तो फाइनली देख ही सकते मेरा फोटो लाइटरूम एप्लीकेशन में जा चुका है। तो इतना कर लेने के बाद क्या करना है फ्रेंड, उसको पूरा काट देना है। उसके बाद आ जाना है अपना लाइटरूम एप्लीकेशन में। उसके बाद और फोटो पर क्लिक करना है। तो फाइनली देख ही सकते फ्रेंड मेरा फोटो आ चुका है। तो इतना कर लेने के बाद क्या करना है, थोड़ा ये वाला प्रीसेट ले लेना है। इस प्रीसेट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा आप लोग। तो इतना कर लेने के बाद क्या करना है फ्रेंड, ऊपर की साइड देख सकते हैं कॉर्नर पर 3 डॉट का आइकन दिया, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद 3 डॉट पर क्लिक करना है। उसके बाद ज्योमेट्री, मास्किंग और हिल को, ये सब को तीनों को टिक कर लेना है। उसके बाद राइट वाले पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से बैक आ जाना है और जिस भी फोटो को अभी हम लोग लाइटरूम एप्लीकेशन में शेयर किए थे उस फोटो को ले लेना है। तो फाइनली इतना कर लेने के बाद क्या करना है फ्रेंड, इसको फिर से 3 डॉट पे क्लिक करना है और इसको कर देना है सेटिंग। तो फाइनली देख ही सकते हैं मेरा फोटो एक ही क्लिक में कितना अच्छा तरह से एडिट हो चुका है। तो इतना कर लेने के बाद क्या करना है फ्रेंड, इसको शेयर कर लेना है ऑटोडेस्क स्केचबुक में। तो देख ही सकते हैं मेरा ऑटोडेस्क स्केचबुक यही है, तो इसमें क्लिक कर लेना है। तो फाइनली देख ही सकते हैं फ्रेंड मेरा फोटो आ चुका है। तो हम लोग को क्या करना है, इस फोटो को स्मूथ करना है। तो उसके लिए क्या करना है फ्रेंड, ऊपर की साइड देख सकते हैं 3रा नंबर वाला, उसको उसमें क्लिक करना है। उसको थोड़ा ऊपर की साइड स्क्रॉल करना है और यहाँ जो स्मार्ट ब्रश है उसको ले लेना है। जो नीचे की साइड 2nd नंबर वाला है उसको ले लेना है और इसका सेटिंग देख लीजिए आप लोग। फॉलो को रखना है 4, स्ट्रेंथ को रखना है 8, साइज आप लोग अपना हिसाब से रख लीजिएगा। उसके बाद साइड में टैप करना है और इसको हल्का हल्का स्मूथ कर लेना है। जितना आराम से कीजिएगा उतना सही होगा फ्रेंड। तो आराम आराम से कीजिएगा, साइज आप लोग छोटा बड़ा कर करके आराम से कीजिएगा, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसा भी आप लोग भी कीजिएगा। तो मैं थोड़ा जल्दी कर लेता हूँ वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। फाइनली देख ही सकते फ्रेंड मेरा फोटो कितना ही अच्छा तरह से स्मूथ हो चुका है। तो इतना कर लेने के बाद क्या करना है फ्रेंड, एक तो इस पे ऊपर वाला लेयर वाले पे क्लिक करना है, प्लस वाले पे क्लिक करना है और एम्प्टी लेयर पे क्लिक करना है, इसको नॉर्मल में क्लिक करना है। उसके बाद इसको कर देना है सॉफ्ट लाइट। उसके बाद साइड में टैप करना है। उसके बाद कलर वाले पे क्लिक करना है और इसका कलर ले लेना है रेड। उसके बाद फिर से साइड में टैप करना है। उसके बाद फिर से ब्रश वाले पे क्लिक करना है और यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला ब्रश ले लेना है, मीडियम ब्रश। इसका साइज आप लोग छोटा कर लीजिएगा, आप लोग अपने हिसाब से रख लीजिएगा। तो साइड में टैप करना और इसको हल्का हल्का लिप्स में चला लेना है, आराम आराम से चला लेना है लिप्स में। जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे आप लोग भी कीजिएगा। 100% गारंटी देता है तुम्हारा भाई कि आप लोग भी इस तरह का फोटो एडिटिंग करना सीख जाए। तो फाइनली देख सकते हैं इतना कर लेने के बाद क्या करना फ्रेंड, हम लोग लाइट ज़्यादा लग रहा है तो उसको कम करना है थोड़ा। उसके लिए क्या करना फ्रेंड, फिर से लेयर वाले पे क्लिक करना है, एम्प्टी लेयर पे क्लिक करना है, ओपेसिटी इसका थोड़ा कम कर देना है, कुछ 30 के आसपास रख देना है। उसके बाद फिर से साइड में टैप कर देना है। तो फाइनली देख सकते हैं हम लोग का स्नैपशीट स्केच बुक का काम खत्म हो चुका है।
तो फाइनली हम लोग को इस फोटो को क्या करना है, सेव कर लेना। उसके लिए क्या करना है फ्रेंड, ऊपर के साइड फर्स्ट नंबर वाला है उसको क्लिक करना है, उसके बाद शेयर वाले पे क्लिक करना है, उसके बाद इसको सेव टू डिवाइस कर देना। उसके बाद सेव वाले पे क्लिक कर देना है, उसके बाद यहाँ से पूरा काट देना है, बैक आ जाना पूरा। उसके बाद आ जाना अपना गैलरी में और जिस भी फोटो पे भी हम लोग स्मूथ किए हैं उस फोटो को फिर से ले लेना है और इसको शेयर कर लेना है स्नैपसीड एप्लीकेशन में। फाइनली देख ही सकते हैं फ्रेंड, मेरा फोटो स्नैपसीड एप्लीकेशन में आ चुका है। तो स्नैपसीड एप्लीकेशन में आ जाने के बाद क्या करना है फ्रेंड, नीचे की साइड देख सकते हैं टूल्स वाला ऑप्शन दिया है, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद डिटेल्स वाले पे क्लिक करना है और सैचुरेशन को थोड़ा बढ़ा देना है, कुछ 50 के आसपास रख देना है। उसके बाद शार्पनिंग को भी कुछ बढ़ा देना है, 25 के आसपास रख देना है। तो फाइनली इतना कर लेने के बाद क्या करना है फ्रेंड, इसको राइट वाले पे क्लिक कर देना है। इतना कर लेने के बाद क्या करना है, फिर से टूल्स वाले पे क्लिक करना है। उसके बाद देख सकते हैं नीचे की साइड सेलेक्टिव वाला ऑप्शन दिया है, उस पर क्लिक करना है और इसको जहाँ जहाँ ब्लैक ब्लैक दिख रहा है वहाँ लगा लेना है। और इसको दोनों फिंगर से छोटा बड़ा करके इसको थोड़ा बढ़ा लेना है। जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे आप लोग भी कर लीजिए। तो फाइनली इतना कर लेने के बाद क्या करना है फ्रेंड, राइट वाले पे क्लिक कर देना है। तो फाइनली स्नैपसीड एप्लीकेशन का काम हम लोग का ख़त्म हो चुका है। तो इतना कर लेने के बाद क्या करना है फ्रेंड, इसको शेयर कर लेना है पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में। तो पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में शेयर कर लेना है। फाइनली देख ही सकते हैं फ्रेंड, मेरा फोटो आ चुका है पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में। तो फाइनली पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में आ जाने के बाद क्या करना है फ्रेंड, नीचे की साइड देख सकते हैं तीसरा नंबर वाला इफेक्ट वाले पे क्लिक करना है। उसके बाद थोड़ा लेफ्ट की साइड स्क्रॉल करना है और आर्टिस्टिक वाले पे क्लिक करना है। उसके बाद जो सेकंड नंबर वाला है उस पर क्लिक करना है, फाइटर वन पे। उसके बाद फिर से उसी में क्लिक करना है और इसको कर देना है मल्टीप्लाई और इसको पूरा माइनस कर देना है। और इसको ऊपर की साइड देख सकते हैं तीसरा नंबर वाला इरेज वाला ऑप्शन दिया, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद फिर से नीचे की साइड देख सकते हैं तीसरा नंबर वाला इरेज का ऑप्शन दिया, उस पर क्लिक करना है। और साइज को आप लोग अपने हिसाब से रख लीजिएगा और इसको हटा लेना है, फेस से हटा लेना है इसको, जहाँ जहाँ नहीं चाहिए हम लोग को वहाँ हटा देना है। तो फाइनली देख ही सकते फ्रेंड, मेरा फोटो हो चुका है। तो इतना कर लेने के बाद क्या करना है फ्रेंड, इसको राइट वाले पे क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर से राइट वाले पे क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर से इफेक्ट वाले पे क्लिक करना है। उसके बाद कलर वाले पे क्लिक करना है। उसके बाद फिर से कलर वाले पर क्लिक करना है और इसको लगा देना है बैकग्राउंड में और इसको बढ़ा घटा के देख लेना है। जिस भी कलर को आप लोग को रखना है उस कलर को ले लेना है। तो हम लोग को यही कलर है तो हम लोग इसी को रख लेते हैं। तो हम लोग का साइड में भी आ गया है तो उसको रिमूव करना है। तो उसके लिए क्या करना है फ्रेंड, फिर से ऊपर की साइड इरेज वाले पे क्लिक करना है, फिर से नीचे की साइड देख सकते हैं इरेज वाला ऑप्शन देख उसको क्लिक करना है। फिर इसको साइड से इरेज कर लेना हल्का हल्का आराम से, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे आप लोग भी कर लीजिएगा। तो फाइनली देख ही सकते फ्रेंड, मेरा फोटो हो चुका है। तो इतना कर लेने के बाद क्या करना है, राइट वाले पे क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर से राइट वाले पे क्लिक कर देना है। तो इतना कर लेने के बाद क्या करना है फ्रेंड, थोड़ा लेफ्ट की साइड स्क्रॉल करना है और उसके बाद देख सकते एड फोटो उस पर क्लिक करना है। उसके बाद जिसमें फोटो कर दूंगी ये वाला PNG ले लेना है। उस PNG का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा आप लोग। इसका थोड़ा ओपेसिटी थोड़ा कम कर लेना है और इसका साइज आप लोग बड़ा कर लेना है और इसको अच्छा से एडजस्ट कर लेना है। इस
इसका लेंस भी थोड़ा आप लोग सही से लगा लीजिए। तो फाइनली इतना कर लेने के बाद क्या करना है फ्रेंड, इसका ओपेसिटी फुल कर देना है। उसके बाद ऊपर की साइड देख सकते हैं, इरेज वाला ऑप्शन दिया उस पर क्लिक करना है। उसके बाद नीचे की साइड देख सकते हैं जो चौथा नंबर वाला है इनपुट वाला, उस पर क्लिक कर देना है। तो फाइनली इतना कर लेने के बाद क्या करना है, इसका साइज आप लोग छोटा कर लीजिएगा ब्रश का, और फिर से ब्रश वाले पर क्लिक करना है और इसको हल्का हल्का चला लेना है। जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे आप लोग भी कर लीजिएगा। तो फाइनली देख ही सकते फ्रेंड मेरा फोटो हो चुका है। तो इधर भी साइड साइड में था, तो इधर भी हल्का हल्का चला लेना है। और इसको जहाँ एक्स्ट्रा हो जाता है उसको इरेज कर लेना है। तो फाइनली देख ही सकते फ्रेंड मेरा फोटो हो चुका है। तो इतना कर लेने के बाद क्या करना है फ्रेंड, इसको राइट वाले पे क्लिक कर देना, उसके बाद फिर से राइट वाले पे क्लिक कर देना। तो हम लोग का फोटो बनकर तैयार हो चुका है। तो हम लोग को फोटो को सेव करना है, तो उसके लिए क्या करना है फ्रेंड, नीचे की साइड थोड़ा लेफ्ट की साइड स्क्रॉल करना है, उसके बाद ड्रॉ वाले पे क्लिक करना है। उसके बाद ऊपर की साइड देख सकते थ्री डॉट का आइकॉन दिया, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद इसको कर देना है सेव इमेज, उसके बाद कलर्स वाले पे क्लिक कर देना है, उसके बाद यहाँ से कट वाले पे क्लिक कर देना है। तो हम लोग का फोटो सेव हो चुका है। तो अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कर दो, ताकि मैं और भी इसी तरह का वीडियो लाता रहूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।